मेरे हिसाब से अगर आप ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कुछ हट के या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो आज का वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको करना है तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड कम्प्लीटली देखना। बात करते हैं इट्सी की, तो इट्सी एक शॉपिंग वेबसाइट है, लेकिन ये जो वेबसाइट है कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और ये वेबसाइट सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के अलावा काफी सारे अलग अलग देशों में है। यहाँ पे आप यूजर्स को इंटरनेशनली टारगेट कर सकते हो और आपके प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली सेल कर सकते हो। लेकिन किस टाइप के प्रोडक्ट्स? अब जो चीज मैं आपको आगे बोलने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। भारत के अंदर आर्ट वर्क, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हैंडमेड किचन प्रोडक्ट्स, विंटेज प्रोडक्ट्स, हैंडमेड डिजाइन, हैंडमेड पेंटिंग्स, हैंडमेड होम डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसको भारत के बाहर लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर इंडिया में इसकी सेलिंग 10% होती है तो इंडिया के बाहर इसकी सेलिंग 90% तक होती है। और भारत के अंदर ये जो चीज़ है ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पे हज़ारों करोड़ के अंदर पहुँच चुकी है। आप खुद भी अगर इट्सी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो मिनिमम 1000 रुपीज़ होती है। 1000, 2000, 3000, 10000, 15000 तक भी ये प्राइस जो है पहुँच जाती है। और इन सभी प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको जो सेलिंग करनी है वो तब करनी है इंडिया के बाहर ही। तो ये सारा काम जो है वो इट्सी आपके लिए कर देगा। आपको सिर्फ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं, विंटेज प्रोडक्ट्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ये सब आपको रेडी करना होगा और उसको आपको इट्सी के ऊपर सेल करना होगा। इस ऑनलाइन बिजनेस को आप इतना ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडिया के बाहर इन सभी चीज़ों की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। भारत की जो संस्कृति है वो इंडिया के बाहर काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो विंटेज प्रोडक्ट्स हैं, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, हैंडमेड होम प्रोडक्ट्स हैं, हैंडमेड किचन प्रोडक्ट्स हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इसके बारे में रिसर्च करना है तो आप सिंपली जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आप रिसर्च करो और सारे अकाउंट्स को चेकआउट करो, हैंडमेड प्रोडक्ट्स वाले अकाउंट जो भी है उनको। वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लोग किस किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। लेकिन यार अब आप बोलोगे कि मुझे ये सब तो बनाना आता ही नहीं है, मैं कैसे करूं? इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि वीडियो को स्टार्ट टू एंड कम्प्लीटली देखना है आपको। अब आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सेल करते हैं, तो आपको उन सभी लोगों से कॉन्टैक्ट करना है, उनको डीएम करना है। अगर आपके एरिया के आसपास हैं तो भी उनसे मिलना है, उनसे कॉन्टैक्ट करना है। अगर कोई अच्छी पेंटिंग करता है या फिर कोई विंटेज प्रोडक्ट सेल करता है या फिर कोई हैंडमेड चीज़ बनाता है तो उन सभी लोगों से आपको कॉन्टैक्ट करना है। अब उन लोगों से आपको टाइप करना है, या तो आप उनसे पार्टनरशिप करो या फिर ऑफिशियल टाइप करो, जिसके अंदर कि आप आपका प्रॉफिट शेयरिंग रख सकते हो। आपको उनको सिर्फ इतना करना है कि आप प्रोडक्ट्स को क्रिएट करो और मैं उसको इंटरनेशनली सेल करूंगा। तो फिर इजी सी बात ये हो गई कि वो बनाएगा और आप सेल करोगे। ऑब्वियसली जो सामने वाला बंदा है उसको इंटरनेशनली सेल करना नहीं आता होगा, इसलिए वो लोकली उसको सेल कर रहा है, तो आपको उसके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो बना के देनी है। भारत के अंदर काफी सारे लोग हैंडमेड और विंटेज प्रोडक्ट से लाखों रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि जो इनकी प्राइसिंग होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। एक नॉर्मल प्रोडक्ट्स और एक हैंडमेड प्रोडक्ट्स दोनों की प्राइसिंग में दिन रात का अंतर होता है। अगर एक नॉर्मल प्रोडक्ट की वैल्यू 500 रुपये है तो एक हैंडमेड प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो 1000 के ऊपर ही होने वाली है। ये इसकी वैल्यू है और ये सब कुछ डिपेंड करता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि इन सभी चीज़ों की डिमांड इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा है तो इसके अंदर कंपटीशन भी उतना ही कम है। आज इंडिया के प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, विंटेज प्रोडक्ट्स, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन जो एक्सपोर्टर हैं वो बहुत ही कम है, तो इसमें आपको जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलने वाला है। इसीलिए प्रोडक्ट को सेल करने में इंटरनेशनली आपकी हेल्प करेगी इट्सी वेबसाइट। ये वीडियो बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर सेल करना है तो आपको कुछ चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट, आपका नाम, आपका GST नंबर, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के फोटोज, उसकी डिटेल्स, पिन कोड, आपका एड्रेस, हर एक चीज़ की जरूरत आपको होगी और वहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हो, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों ही जगह पे। अगर आपको इसके बारे में एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसके अंदर कि मैं आपको कंप्लीटली गाइड दूंगा स्टार्ट टू एंड, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे सेल करना है, कैसे लिस्ट करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। और आप मेरे चैनल को उसी चीज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस के ऑप्शन पसंद आया है तो जाइए और शुरू हो जाइए, और अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आया और आपको कुछ और अलग करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन अर्निंग या फिर ऑनलाइन बिजनेस का एक न्यू आइडिया, जिससे कि आप घर बैठे आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन अर्निंग करके घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और जाने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही वीडियोज़ में डेली लेके आता रहता हूँ, और वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड बाय।